Hello guys, this is Shortcut to Pass MU and we are putting a video on the ATP code of drilling machine. ठीक है, ये question है. ठीक है, यहाँ पे आपको जो diagram दिया हुआ है उसके सब dimensions दिए हुए हैं. ठीक है, उससे आपको coordinates निकालने के. drilling machine में सिर्फ आपको जो holes दिया है, मीन्स आपको जो holes drill करने हैं सिर्फ उसके coordinates निकाल लेके हैं. मीन्स P2, यहाँ पे जो P2 है, P1, P2 एंड P3, ये तीन के आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं. ठीक है, दिस इज 70 60, ओके, एंड दिस इज 70 30, एंड दिस इज 120 एंड 30. ओके, आप देख के निकाल सकते हो कोऑर्डिनेट्स. ठीक है, उसके बाद अपने आपको थिकनेस अज्यूम करने का है, जो कि है 10 mm. ठीक है, प्लेट का थिकनेस. ठीक है, बाद में ये नीचे जो आपको मैंने बोला था वो आपको अज्यूम करना रहता है. ये ऑपरेशन ड्रिलिंग मशीन का है. ठीक है, और उसके बाद हम लोग तीन होल्स करने वाले इसमें. HSS मीन्स हाई स्पीड स्टील ड्रिलिंग ऑफ जीरो मीन्स 7 mm का हम लोग ड्रिल करने वाले हैं. उसके बाद स्पिंडल, जो क्वेश्चन में कभी कभी दिया रहता है वी का वैल्यू, नहीं दिया रहेगा तो आप 35 या 30 कुछ भी ले सकते हो, उससे आपको RPM मिल जाएगा. ठीक है, या कभी कभी पहले से RPM क्वेश्चन में दिया होता है. और फॉर ड्रिलिंग मशीन फीड रेट को हम लोग 0.1 से मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, और मिलिंग मशीन में हम लोग कितना करते हैं, 0.8 से. ठीक है, ये याद रखना. और इसका आंसर 140 mm पर सेंटीमीटर, सॉरी mm पर मिनट. ओके, ठीक है, अभी आप इसका पार्ट प्रोग्रामिंग देखते हैं. जो स्टार्ट का स्टेप है वो तो सब सेम ही है. जो पार्ट नंबर हम लोग मिलिंग मशीन के लिए करते थे, यहाँ पे ड्रिलिंग ऑपरेशन लिखना पड़ेगा. फिर मशीन ड्रिल वन, जो मैंने आपको बताया था मिलिंग में वैसे ही है. बाद में CL प्रिंट में सेंटर प्रिंट, बाद में यूनिट इन mm, कटर हम लोग 7 mm का करने वाले. ठीक है, यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन में दिया रहता है कभी कभी, नहीं तो आपको अज्यूम करना पड़ता है. बाद में SP इज योर सेट पॉइंट. सेट पॉइंट कभी भी हम लोग स्टार्ट करते हैं 0.000 से, जो कि है आपका ओरिजिन. उसके बाद P1, दैट इज़ योर कोऑर्डिनेट इज 70 60, जो पहला ड्रिल करना है. बाद में P2 70 30, एंड P3 120 30. ठीक है, उसके बाद जैसे लिखा है वैसे आपको करना है. उसके बाद जो कि हम लोग स्पिंडल ऑन करने वाले हैं, जो कि अपना 1400 RPMs पे है. बाद में फीड रेट 140 mm पर मिनट. ठीक है, बाद में हम लोग कूलेंट ऑन करने वाले हैं. बाद में फ्रॉम सेट, इसमें बहुत इजी है, ये मिलिंग से भी बहुत छोटा प्रोग्राम होता है. बाद में सेट फ्रॉम सेट पॉइंट रैपिड. ठीक है, गो टू P1, जो कि हम लोग को अभी P1 के यहाँ ड्रिल करना है. जो GODLTA, ये ड्रिलिंग का कोड है. वहाँ से मीन्स अभी यहाँ पे 00-20 दिया है, मीन्स टूल ड्रिल्स द फर्स्ट होल. 20-20 वहाँ पे क्यों लिया है, क्योंकि हम लोग का प्लेट है वो हम लोग ने 10 mm अज्यूम किया है. ठीक है, थिकनेस तो 20 का ड्रिल करेंगे तो बराबर होल गिर जाएगा. ठीक है, मीन्स आपने सिर्फ 10 ही दिया तो मीन्स आधा एंडिंग में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है करके. ठीक है, इसके लिए हम लोग ने वहाँ पे 20 दिया, आप लोग 15 भी ले सकते हो. बाद में DLTA मीन्स 0020, वहाँ क्यों वो यूज़ किया, क्योंकि टूल कम्स अप, जो माइनस में था तब वो अंदर जाता है ड्रिल करता है, और 20 प्लस देंगे तब वो वापस बैक आ जाता है. ठीक है, बाद में रैपिड. बाद में गो टू P2 मीन्स अभी सेकेंड ऑपरेशन, जो सेकेंड होल करने का है. ठीक है, सेम कोडिंग है, -20 और 20 का. बाद में रैपिड, फिर से गो टू P3, फिर से -20 और 20 का. बाद में फिर रैपिड, गो टू सेट पॉइंट, स्पिंडल ऑफ एंड कूलेंट ऑफ, देन FINA मीन्स एंड ऑफ द प्रोग्राम. ठीक है, ये ड्रिलिंग का कोड है, बहुत ही इजी है मिलिंग से भी. और कभी कभी ड्रिलिंग और मिलिंग मिक्सअप आ रहा है कोडिंग, तो थोड़ा ध्यान देना आपको कैसा लिखना है. जो कि हम पॉइंट सेट करते हैं सब कुछ सेम है, सिर्फ बीच में जो कि आप एंड करते हो प्रोग्राम फीड रेट के पहले, जो कि आपका प्लेन आता है, प्लेन के बाद आपको ये ड्रिलिंग का कोड ऐड करना होता है,
उसके बाद ये आप एंड कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू गाइस एंड डू सब द चैनल।